ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए, जैसा कि मेरे वेबसाइट पर जो भी पोस्ट हम डालते हैं वह पोस्ट कोई और व्यक्ति कॉपी करके उसी वक्त दूसरे वेबसाइट पर डाल देता है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका समाधान बताइए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं उसे बोला हूँ लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है, कंटेंट को हटाने को तैयार नहीं है, और इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं तो आपको भी देखने को मिलेगा। आप बहुत मेहनत से कोई यूनिक कंटेंट लिखेंगे और कोई कॉपी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जब आप उसको मेल करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मान लीजिए कि वो बंदा आपका कंटेंट रिमूव ही नहीं कर रहा है, तो क्या आपके पास कुछ ऑप्शन है जिससे हटाया जा सके? मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब नहीं मानेगा तो एक बात बताइए कि जो भी बंदा आपका कंटेंट कॉपी करेगा किस पर्पज से कॉपी करेगा? पहला करेगा कि वो ब्लॉग से पैसा कमाने की सोचेगा, पहला, और दूसरा कि वो कंटेंट को वो गूगल सर्च इंजन में रैंक करने की कोशिश करेगा। और आप जान रहे हैं कि गूगल नंबर 1 सर्च इंजन है, अगर उस ब्लॉग पे गूगल से ट्रैफिक जाए ही ना तो वो ऐसा आप कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक डालना पड़ेगा। एक बार आप मेल करिए, हटा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हटाया आप कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दीजिए। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक डालने से वो रिमूव नहीं कर रहा है? नहीं, वो रिमूव नहीं करेगा, आप बिलीव मानिए वो रिमूव नहीं करेगा। लेकिन रिमूव कैसे करेगा, गूगल क्या करेगा, जब आप गूगल के पास कंप्लेन करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे कि इस बंदे ने पूरा का पूरा लिंक लीजिए और कॉपीराइट स्ट्राइक में मेंशन करिए कि क्या क्या आपका कंटेंट चोरी किया है, क्या क्या चोरी किया है, आप डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू होगा और आपकी बात में अगर सच्चाई होगी तो उसके ब्लॉग का जो है एक तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक गूगल नोटिफिकेशन देगा। अगर वह गूगल में कहीं पे भी अपने ब्लॉग को लिस्टिंग नहीं किया होगा, सर्च कंसोल में नहीं करेगा, तो ऐसे में होगा क्या कि उसके पास तो एक तो नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा और दूसरा अगर जाएगा भी फिर भी अगर इग्नोर कर दिया तो गूगल उसको पेनाल्टी देगा, मतलब कि पनिशमेंट देगा। क्या पनिशमेंट देगा, पहली बात कि उस ब्लॉग का जो है एक तरह से ब्लैक लिस्ट कर देगा। अगर ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आया और रियल में वो सारे दूसरे दूसरे ब्लॉग का कॉपी कर रहा है तो ऐसे में मल्टीपल टाइम आने के बाद परमानेंटली उसके ब्लॉग का रैंकिंग नहीं करेगा। मतलब ये कि जो बंदा आपका कंटेंट कॉपी किया है ना, वो बंदे का पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा, पूरा पैसा बेकार चला जाएगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर कोई नया नया ब्लॉगिंग के फील्ड में आया है और कंटेंट किसी का चुरा कर रहा है, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, तो पैसा कमाने के लिए जब गूगल एडसेंस में अप्लाई करेगा ना तो वहां पे भी दिक्कत होगा और हर जगह उसको दिक्कत होने वाला है। सिर्फ उसके पास इतना ही है कि अगर उसको पैसा भी नहीं कमाना है, गूगल में सर्च में रैंक भी नहीं करना है, तब आपके कंटेंट का कॉपी करेगा तो कॉपी कर ही लिया तो एक बैकलिंक फ्री में मिल जाएगा ना, कम से कम वो कमा तो नहीं पाएगा और इसके बाद वो सर्च में रैंक भी नहीं कर पाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, आपका काम है, आपका कॉन्टेंट है, आप अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दीजिए, यूनिक कॉन्टेंट लिखिए और जब भी कोई कॉपी करे एक नोटिफिकेशन आप मेल कर दीजिए। और अगर आपको वो भी मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके कंटेंट को बार बार चोरी करते हैं, हर बार जो है किसी को मेल करना लिखना थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है, ऐसे में कॉपीराइट स्ट्राइक डालिए ना, नहीं सुनने वाला है। क्योंकि बार बार मैं बराबर वीडियो बनाता हूँ और एक ही बात कहता हूँ कि डिजिटल दुनिया है, एक पे एक टेक्नोलॉजी आ चुका है, आप कॉपी करेंगे और तुरंत लिखने वाले के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा वो कॉपीराइट स्ट्राइक डालेगा, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे आप अगर न्यू ब्लॉगर हैं तो सवाल होंगे, बिंदास सवाल लिखिए, सवाल पूछिए। मैंने सोच लिया है कि आपके जितने सवाल होंगे, अगर वो लगेगा कि नहीं यार इस सवाल का जवाब आपको इमिडिएटली चाहिए और साथ ही साथ जो है ये दूसरे जगह अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसे में सेपरेट आपके सवालों का जवाब के लिए इसी टाइप का वीडियो बना के आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं न्यू अपडेटेड फ्रेश इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।